हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों, आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनू क्रिप्टो में। दोस्तों अभी हम बात करने वाला, आज 2 जैन है, आज हम बात करेंगे पीआई नेटवर्क की न्यू अपडेट आई हुई है, फिलहाल ही आई हुई है, आप देख सकते हो जैन 2:38 AM की। तो क्या अपडेट है इसी बारे में कंप्लीट इसी वीडियो में हम जानेंगे, शुरू से लेके अंत तक रहो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहो, और अगर चैनल पे नए हो तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन है वो क्लिक कर दो, इससे आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता है और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, और वीडियो में अपडेट्स जो न्यू आती है क्रिप्टो मार्केट में वो डालता रहता हूँ आप सबके लिए। तो माइनर्स इसकी क्या अपडेट है, इसके लिए डायरेक्टली इसमें मैं क्लिक करके आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ लाइव में क्या अपडेट्स आई हुई करके। देखो PI 2022 एंड ऑफ ईयर अपडेट्स ये दी हुई थी, तो इसमें ये दिया हुआ था कि अभी जो KYC वगैरह बहुत लोगों की है कि हुई नहीं है, मैनेज माइग्रेशन हुआ नहीं है 2022 में, मोस्टली बोलते ना 75% लोगों का हुआ नहीं, तो इन्होंने अपडेट ये दी हुई है दोस्तों कि ये अभी फ़िलहाल फोकस दो फैक्टर पे करने वाले हैं, मतलब दो चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहला जो फैक्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मास KYC पे, मतलब KYC इनके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो गया है क्योंकि अभी तक KYC बहुत लोगों की हुई नहीं, तो इसलिए परफेक्ट फोकस अभी जो मेन रहेगा, मेन ध्यान देंगे वो KYC पे ध्यान देने वाले, मास KYC मतलब सबकी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की KYC हो जाए दोस्तों, ठीक है। और सेकेंड ये ध्यान देने वाले हैं इस इकोसिस्टम को और बिल्डअप करने के लिए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जोड़ने के लिए और बिल्डअप करने के लिए और इसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाले, इन्होंने इधर क्लियर कट लिखा हुआ है, और उसके बाद ये ओपन मैनेट लॉन्च करेंगे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो अपडेट है इसकी, और दोस्तों नेक्स्ट ये है कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट्स बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि मैनेज जो माइग्रेशन होता है KYC के बाद उसमें भी ये ध्यान देने वाले हैं। इसमें क्या ध्यान देने वाले हैं करके, ये वेरीफाई करने वाले हैं कि इसमें है कि जो PI माइनर्स के कितने ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो करेक्ट है कि नहीं, अगर एक बार वेरीफाइड होने के बाद, मतलब KYC वगैरह वेरीफाइड होने के बाद माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह मैनेज में ब्लॉकचेन में वगैरह जाता है तो मतलब परफेक्ट है कि नहीं, और वेरीफिकेशन जो भी प्रोसेस रहता है और कितने कॉइन माइग्रेशन हुए हैं उस सब के बारे में हिसाब किताब जो भी रहता है कि परफेक्ट है कि नहीं, उन सब के बारे में दोस्तों ये बढ़ने वाला है, ठीक है। पोस्ट माइग्रेशन इम्प्रूवमेंट्स और टू वैलिडेशन चेक्स ड्यूरिंग द पीरियड पेंडिंग ऑफ माइग्रेशन करके, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये है कि वॉलेट एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैनेज माइग्रेशन करके दिया हुआ है, इसमें यह है कि PI क्लेम्ड आफ्टर माइग्रेशन पेंडिंग पीरियड, इसमें ये दिया हुआ कि अगर आप एनेबल कर दोगे PI क्लेमिंग के लिए, माइग्रेशन पेंडिंग पीरियड किसी की बची रहती है, मतलब अभी तक माइग्रेशन आप किया हुआ है बट अभी तक आपको पेंडिंग दिखा रहा है जैसे KYC पेंडिंग वगैरह दिखाता है, तो उसका भी ये सॉल्यूशन लाने वाले हैं इस 2023 में, और जल्दी से जल्दी बहुत लोगों का माइग्रेशन करने वाले हैं जो टेस्ट नेट्स, जो जिसके पास PI पड़े हुए हैं जो माइनिंग के, वो है कि अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली और माइग्रेशन कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी इनका मैनेट भी ये लॉन्च करने वाला है, और इससे पहले KYC जो बची हुई है दोस्तों वो मास स्केल पे KYC कंप्लीट करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने बहुत उस पर ही फोकस कर रहे हैं, जल्द से जल्द सबकी हो जाए करके। इससे क्या होगा कि जो माइनर्स हैं उनका भरोसा रहेगा, और जितने भी कॉइन, मतलब ऐसा हो गया है कि आधे की KYC हो गई है आधे की नहीं हुई है, तो लोग मतलब हर टाइम स्लॉट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हर टाइम PI ब्राउज़र में जाके स्लॉट चेक कर रहे हैं, उनके नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो उस पर ध्यान देने वाले हैं, जल्दी से जल्दी KYC सबकी हो जाए पहला इंटेंशन यही है। उसके बाद है कि माइग्रेशन का इंटेंशन है कि इनके जो भी जितने भी टोकन है लॉकअप्स में, माइग्रेशन में जितने भी PI कॉइन है वो माइग्रेशन पे चले जाए, और कितने अमाउंट के गए हैं वो सब ये डाटा कलेक्ट करके रखने वाले हैं, और मतलब परफेक्ट है कि नहीं चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी इकोसिस्टम कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और 2023 में जल्दी से जल्दी मैनेट भी लॉन्च करेंगे और डेवलप करने वाले हैं, मैनेट लॉन्च होने के बाद ये बहुत सारे है कि इम्प्रूवमेंट्स करने वाले हैं, ये सब चीज़ों के बारे में इस पूरे अपडेट्स में इन्होंने 2 जैन को ही बोला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया था 2022 में भी बोला हुआ है कि किस पे इम्प्रूवमेंट किया किस पे नहीं किया, इन सब के बारे में बताया, और हॉबी ग्लोबल पे जो हुआ इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या हो गया था, हॉबी ग्लोबल पे जो फेक कॉइन लिस्ट हो गए थे इनके, बट यार अभी तक एक्शन नहीं लिया, वही बुरी बात है, सिर्फ एक ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट डाली हुई है, पोस्ट के अलावा अगर कुछ एक्शन ले लेते हैं
देखो कुछ ना कुछ मतलब एक्सचेंज जितनी भी है, बट इसमें है कि पीआई वालों की भी मेरे ख्याल से थोड़ी गलती नहीं है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बट ये भी एक चीज़ से डरते हैं। रीज़न है कि अगर इनका मतलब पीआई मैनेट में आने के बाद इनका कॉइन कहीं ना कहीं तो लिस्ट करना पड़ेगा ना, तभी सब एक्सचेंज ने मना किया, तो इसलिए इनको पहले एक काम करना पड़ेगा कि इनकी खुद की एक एक्सचेंज लानी पड़ेगी। देखो इतना सारा सब कुछ पीआई वालों ने कर दिया है, सब कुछ ऐप डेवलप कर दिया है, बट खुद की एक एक्सचेंज ला के खड़ी कर दे तो इन सब एक्सचेंजों से फिर डरने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और रह के कुछ भी फिर रह के जो भी है ओपनली दूसरे एक्सचेंज को कुछ भी बोल सकते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं बोल सकते, क्योंकि रीज़न है कि यार इनके आगे जाके वो कॉइन को लिस्ट भी तो करना है कौन से एक्सचेंज में, बड़े बड़े एक्सचेंज में, तो उनसे पंगा तो नहीं ले सकते डायरेक्टली जाके, समझ गए ना बात, ये है बात। अगर अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और पायनियर्स और सतोशी कोर माइनर्स दोनों जिंदाबाद।